दोस्तों, हमने पिछली दो वीडियोस में फेयरी क्वीन के दो पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट यानी कि फेयरी क्वीन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कि जैसा हम जानते हैं, फेयरी क्वीन के 12 कैंटोस हैं। हमने 8 कैंटोस को पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम आखिरी के 4 कैंटोस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैंटो 9 से। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि किंग आर्थर ने रेड क्रॉस को उस और गोगलियों से बचा लिया और उसको तहखाने से बाहर ले आए। ऊना रेड क्रॉस से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। रेड क्रॉस क्योंकि थका हुआ है, इसलिए वे सभी एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। ऊना ने आर्थर से उनके बारे में पूछा तो आर्थर ने बताया कि उनके जन्म के बाद ही उन्हें परीलोक में छोड़ दिया गया था। फिर वहाँ पर वे रह के एक महान योद्धा यानी कि एक बहुत बड़े नाइट बन गए और उनका मुख्य कर्तव्य है कि जिन लोगों की सहायता की ज़रूरत होती है, किंग आर्थर उनकी सहायता करते हैं। फिर ऊना ने उनसे उनके माँ बाप के बारे में पूछा। ये सवाल पूछ के कहीं न कहीं ऊना ने उनको हर्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके माँ बाप कौन हैं। फिर ऊना ने उनसे पूछा कि आप फेयरी लैंड में क्या कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो एक फेयरी मेड को ढूंढ रहे हैं जिससे वे प्यार करते हैं। अब धीरे धीरे रेड क्रॉस भी रिकवर हो रहा था। रेड क्रॉस और ऊना आर्थर से विदा लेते हैं और फिर वे अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। अभी भी रेड क्रॉस की हालत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए ऊना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वे अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। वे जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, वे देखते हैं कि एक आदमी भागता हुआ उनके पास आता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। पूछने पर वो अपना नाम ट्रेविसन बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि डिस्पेयर नाम का आदमी उसकी जान के पीछे पड़ा है, उसी से जान बचाते हुए वो भाग रहा है। उसकी बात को सुनकर रेड क्रॉस को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से पूछता है कि डिस्पेयर कहाँ है। वो आदमी ऊना और रेड क्रॉस को डिस्पेयर की गुफा में ले जाता है। रेड क्रॉस देखता है कि डिस्पेयर बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से वार करता है। रेड क्रॉस उसे फटकार लगाता है और कहता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो, तुम लोगों को उकसाते हो ताकि वे अपनी जान दे दें, तुम्हें इससे भला क्या फायदा है। रेड क्रॉस की बात सुनकर डिस्पेयर कहता है कि जो जल्दी मरता है उसे जल्दी शांति मिलती है, जो जितना लंबा जिएगा उसको इतना ही लंबा कष्ट मिलता है। अब डिस्पेयर रेड क्रॉस को उकसाने लगता है। वो कहता है कि रेड क्रॉस, तुम खुद को सूरवीर कहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। क्या तुम भूल गए कि तुमको और गोगलियों ने अपने तहखाने में पटक रखा था? तुम किस तरह से कायरो की तरह उस तहखाने में अपने अंतिम दिनों का इंतजार कर रहे थे? इसके अलावा तुमने ऊना जैसी एक पवित्र लड़की का साथ छोड़ के एक डोसा नाम की चुड़ैल के चक्कर में पड़ गए थे, इसलिए रेड क्रॉस तुम खुद को सूरवीर कहना बंद करो क्योंकि तुम एक पापी हो। दोस्तों, डिस्पेयर अपनी बातों से रेड क्रॉस के अंदर जहर घोल रहा था। अब धीरे धीरे डिस्पेयर की बातों का प्रभाव रेड क्रॉस पर पड़ने लगा और रेड क्रॉस ने खुद को पापी मान लिया। ऊना रेड क्रॉस को समझाती है कि वो डिस्पेयर की बातों को ना सुने। तभी डिस्पेयर रेड क्रॉस को एक चाकू देता है और कहता है कि लो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम यहीं इसी वक्त सुसाइड कर लो। दोस्तों, ये सब देखकर ऊना काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो रेड क्रॉस को किसी न किसी तरह वहाँ से बाहर ले जाती है। अब दोस्तों, रेड क्रॉस शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टूट चुका है और वो अपने आप को मान लेता है कि हाँ, रेड क्रॉस सच में एक पापी है और वो किसी भी तरह से एक नाइट नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा कैंटो 9 खत्म होता है। अब हम देखते हैं कैंटो 10 को। दोस्तों, ऊना किसी तरह से रेड क्रॉस को उस गुफा से बाहर ले आती है और ऊना जान चुकी है कि रेड क्रॉस पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, इसलिए वो बुराई के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है। ऊना समझ चुकी है कि रेड क्रॉस को आंतरिक शक्ति की जरूरत है, इसलिए ऊना उसे द हाउस ऑफ हॉलीनेस ले जाती है। ये एक पुरानी सी इमारत होती है और ये जगह ज्ञान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। हाउस ऑफ हॉलीनेस की मुखिया एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा माला जपती रहती थी। यहाँ पर रेड क्रॉस को ईश्वरीय ज्ञान यानी कि गॉड के बारे में नॉलेज दिया जाता है, जिसको पाकर रेड क्रॉस अचंभित हो जाता है और वो गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलने लगता है। मतलब उसे समझ आ जाता है कि रेड क्रॉस का लक्ष्य क्या है और उसे क्या करना है। अब रेड क्रॉस और ऊना सीधे उस पीतल के महल में जाते हैं जहाँ पर ऊना के माँ बाप को ड्रैगन ने कैद करके रखा था। वो दोनों उस महल के बाहर खड़े रहते हैं। तभी जोर की आवाज होती है और ड्रैगन उस किले से बाहर निकलता है। ड्रैगन रेड क्रॉस के ऊपर हमला कर देता है। रेड क्रॉस भी उस ड्रैगन से लड़ने लगता है। दोनों को लड़ता देख ऊना एक पहाड़ी के पीछे छिप जाती है और वहीं से सारे दृश्य को देखती है। ये ड्रैगन एक विशाल दानव था। इसका शरीर मानो पूरे लोहे से बना है। रेड क्रॉस उस ड्रैगन पर कई बार वार करता है लेकिन वो उसके शरीर में कोई भी कमजोर हिस्सा नहीं पाता। ड्रैगन रेड क्रॉस पर हमला कर उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है।
फिर वो उसे कुएं में फेंक देता है, लेकिन फिर भी रेड क्रॉस कुएं से बाहर निकलता है और खुद को बचाता है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। रेड क्रॉस भी उस ड्रैगन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। रेड क्रॉस उस ड्रैगन के पूंछ पर हमला कर उसे घायल कर देता है। तभी रेड क्रॉस को मौका मिल जाता है और रेड क्रॉस अपनी तलवार उस ड्रैगन के मुंह में घुसा देता है। इस तरह से ड्रैगन मारा जाता है। दोस्तों, इस तरह से कैंटो 11 में ड्रैगन मारा जाता है। अब हम देखते हैं कैंटो 12 को। उस ड्रैगन के मारे जाने की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। ड्रैगन को मरा पाकर वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और रेड क्रॉस का धन्यवाद देते हैं। राज्य में रेड क्रॉस का बड़ी ही खुशी से स्वागत किया जाता है। उना के पिता की ये इच्छा थी कि जो भी उस ड्रैगन को मारेगा उसी से उना की शादी कराई जाएगी। फाइनली दोस्तों, रेड क्रॉस ने ड्रैगन को मार दिया, इसलिए रेड क्रॉस के सामने ये प्रपोजल रखा जाता है कि वो उना को एक्सेप्ट कर ले। तभी रेड क्रॉस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उना उसे पसंद है, लेकिन अभी वो 6 सालों तक फेयरी क्वीन की सेवा करेगा, इसलिए वो 6 सालों के बाद लौटेगा और उना से शादी करेगा। दोस्तों, तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है। ये लेटर उना के पिता को दिया जाता है। इस लेटर में लिखा था कि उना का विवाह पहले ही फेडेसा नाम की किसी लड़की से हो चुका है और ये रेड क्रॉस ऑलरेडी शादीशुदा है, इसलिए वो किसी से भी शादी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये लेटर फेडेसा ने भेजा था आर्ची मागो के द्वारा। उस लेटर को पढ़ने के बाद उना के पिता उससे पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। फिर उना भी बताती है कि फेडेसा ने रेड क्रॉस को बेवकूफ बनाया और अपने जाल में इसको फंसाया, इसमें रेड क्रॉस की कोई गलती नहीं है। साथ ही उना ये भी बताती है कि फेडेसा एक विच थी। दोस्तों, इस पूरी जर्नी में रेड क्रॉस और उना ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था, इसलिए रेड क्रॉस और उना ये फैसला करते हैं कि वे अभी अपनी शादी करेंगे। उना के राज्य में काफी टाइम से कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया गया था ड्रैगन की वजह से। अब रेड क्रॉस और उना की शादी करा दी जाती है। रेड क्रॉस उना से विदा लेता है और वो वादा करता है कि वो उना को लेने 6 साल बाद आएगा। दोस्तों, यहाँ पर फेयरी क्वीन बुक फर्स्ट एंड होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।